पहले दोनों डिवाइसेस के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। दोनों डिवाइस देखने में लगभग सिमिलर हैं, दोनों डिवाइस के लेंथ सिमिलर हैं। यहाँ पे सिमिलर तरह के सिलिकॉन स्ट्रैप्स यूज किया गया है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हो। जो डायल है उसका डायमेंशंस लगभग सिमिलर है, लेकिन बीपीयू में आपको थोड़ा सा हाइट ज्यादा मिलेगा। अगर मैं बिल्ड मटेरियल के बारे में बात करूँ तो बीपीयू पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है एंड जीटीएस मिनी स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, जिसके कारण जीटीएस मिनी देखने में थोड़ा सा प्रीमियम दिखता है। अगर मैं फिजिकल बटन्स के बारे में बात करूं तो दोनों डिवाइस में इस तरह से आपको एक एक फिजिकल बटन मिल जाएगा जिसको आप अलग अलग तरह के फंक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जीटीएस मिनी में आपको माइक्रोफोन देखने को मिल जाता है, और माइक्रोफोन होने के कारण आप यहाँ पे अमेजॉन एलेक्सा या फिर वॉइस कमांड वगैरह यूज़ कर सकते हो, जो कि बीपीयू में मिसिंग है। अगर पीछे की तरफ हम लोग देखें तो यहाँ पे सिमिलर तरह के सेंसर्स मिल जाते हैं और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाता है, लेकिन जीटीएस मिनी में आपको इनबिल्ट जीपीएस मिल जाता है जो कि बीपीयू में आपको नहीं मिलेगी। अगर मैं स्क्रीन के बारे में बात करूँ तो दोनों डिवाइस में डायल सिमिलर होने के बावजूद जो जीटीएस मिनी है वहाँ पे आपको डिस्प्ले जो है वो काफ़ी प्रीमियम मिलेगा, और डिस्प्ले का जो साइज़ होगा वो थोड़ी सी बड़ी होगा क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो थोड़ा सा कम है। GTS Mini में आपको AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा, लेकिन BPU में आपको AMOLED डिस्प्ले नहीं मिलेगा। अगर मैं इंटरफेस के बारे में बात करूँ तो दोनों डिवाइसेस में सिमिलर तरह के इंटरफेस मिल जाता है, लेकिन जब आप दोनों डिवाइसेस को एक साथ देखोगे तो GTS Mini देखने में ज़्यादा प्रीमियम दिखेगी क्योंकि यहाँ पे AMOLED स्क्रीन यूज़ किया गया है। अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ तो दोनों डिवाइसेस में सिमिलर तरह के सेंसर्स हैं एंड सिमिलर तरह के एक्टिविटीज़ दोनों डिवाइस ट्रैक कर सकता है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी ट्रैकिंग, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, SPO2 मॉनिटरिंग, ये सारे फीचर्स आपको सिमिलर मिल जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने अभी बताया कि GTS Mini में इनबिल्ट GPS मिल जाता है, जिसके कारण आप यहाँ पे एक्टिविटी को काफ़ी इजीली ट्रैक कर सकते हो। एक्टिविटी ट्रैक करने के लिए आपके स्मार्टफोन को आपके स्मार्ट वॉच के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बीपीयू में आपको हमेशा अपने स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके रखना होगा, अदरवाइज आप एक्टिविटी ट्रैक नहीं कर पाओगे। इसके अलावा GTS Mini में आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस मिल जाता है, लेकिन बीपीयू में आपको ऑटोमेटिक ब्राइटनेस नहीं मिलेगा, वहाँ पे ब्राइटनेस को आपको एडजस्ट करना होगा मैनुअली। इसके अलावा GTS Mini में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बीपीयू में मिसिंग है। अगर मैं बैटरी साइज के बारे में बात करूँ तो दोनों डिवाइसेस में लगभग सिमिलर साइज के बैटरीज मिलते हैं। GTS Mini में आपको 220 mAh का बैटरी मिल जाएगा और बीपीयू में आपको 230 mAh का बैटरी मिल जाएगा। यहाँ पे कंपनी दावा करता है कि GTS Mini आपको 14 डेज का बैकअप देता है एंड BPU आपको 7 डेज का बैकअप दे देता है, लेकिन प्रैक्टिकल यूजर्स से मुझे जो पता लगा है दोनों डिवाइसेस में आपको लगभग 7 दिन का बैटरी बैकअप इजीली मिल जाता है, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट बैटरी बैकअप है। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूँ तो GTS Mini का जो प्राइस है वो है 6999, ऑलमोस्ट 7000, और बीपीयू का प्राइस है 3500। तो GTS Mini का जो प्राइस है वो लगभग बीपीयू से डबल है। अगर मैं दोनों डिवाइसेस के प्रोज के बारे में बात करूँ तो दोनों डिवाइस काफ़ी कंफर्टेबल है एंड काफ़ी लाइट है, तो पूरे दिन के लिए भी अगर इस डिवाइस को आप यूज़ करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दोनों डिवाइस काफ़ी अच्छी तरह से नोटिफिकेशंस को हैंडल कर लेता है और दोनों डिवाइस का जो बैटरी बैकअप है वो डिसेंट आपको मिल जाता है। इसके अलावा अदर जो ट्रैकिंग्स हैं यहाँ पे, जैसे एक्टिविटी ट्रैकिंग, स्लीप मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटरिंग, ये काफ़ी एक्यूरेट है एंड बहुत अच्छी आपको रिजल्ट मिल जाता है। अगर मैं दोनों डिवाइसेस में क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में बात करूं तो दोनों डिवाइस में आपको एडिशनल ऐप्स या फिर प्ले स्टोर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, मतलब आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप आप यहाँ पे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। दोनों डिवाइस में आपको कॉल का नोटिफिकेशन मिल जाता है और आप यहाँ पे क्विक रिप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन दोनों डिवाइसेस में आपको रिसीविंग का ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसके अलावा अगर मैं ट्रैकिंग के बारे में बात करूँ तो SPO2 जो ट्रैकिंग है वो दोनों डिवाइसेस का रिलायबल नहीं है, आप इसको सिंपली एक रेफरेंस की तरह यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो से आपको ये पता लग गया कि क्या क्या एडिशनल फीचर्स आपको GTS Mini में मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको ये भी कंसिडर करना होगा कि GTS Mini का जो प्राइस है वो BPU से ऑलमोस्ट डबल है, तो आप देख सकते हो कि क्या वो प्राइस जो एडिशनल फीचर्स दिया गया है उसको जस्टिफाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपके मन में है तो डेफिनेटली आप कॉमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।